Hi everyone, today I am discuss about mobility. What is the mobility? Mobility एक type का motion है charge carriers का. तो इसमें क्या होता है, आपका mobility को कैसे explain कर सकते हैं? जैसे metal है, conductor है, उसमें charge carriers क्या होते हैं? आपके free electron होते हैं. Free electrons means metal में होते हैं, conductor में. Free electrons क्या होते हैं? Conductor में क्या होते हैं? Charge carriers. और ऐसे हम करते हैं जिसमें ये तो कंडक्टर में होते हैं, ऐसी गैस में आयनाइज गैस में हम क्या करते हैं, आयनाइज गैस की बात करते हैं. तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स, पॉजिटिव आयंस भी होती हैं, ये भी क्या है आपके चार्ज कैरियर. ऐसे हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं. यानी मोबिलिटी में मींस कंडक्टर हो गए, आयनाइज गैस होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं. अब हम मोबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अब होती है मोबिलिटी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम मोबिलिटी कहते हैं, या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी. इट इज डिनोटेड बाय म्यू. It is denoted by mu, ratio of the drift velocity to the electric field is called mobility. तो VD या unit electric field में जो drift velocity होगी उसे mobility कहते हैं. It is denoted by mu. देखो, since हम जानते हैं VD is equal to क्या होता है, E tau upon क्या m होता है, V E tau upon m. तो putting these value यहां पर रख देते हैं इसकी E tau upon m into E. तो क्या है, E से E कैंसिल आउट हुआ, तो mu is equal to E tau upon m. ये क्या कहलाएगी आपकी मोबिलिटी. फॉर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर देते हैं तो यहां पर एक जनरल फॉर्मूला है. फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को म्यू ई, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ई टाउ ई अपॉन एम ई. ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होगी. ठीक है, देखो ई क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज. टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम. यानी दो पार्टिकल्स के बीच जो टक्कर होती है, कोलिजन होती है, उसके बीच लगने वाला समय को हम रिलैक्सेशन कहते हैं, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. अब यूनिट पर जाते हैं हम, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, आपकी मोबिलिटी की यूनिट लिखेंगे हम. तो क्या होगा, यहां से मीटर पर सेकंड अपॉन वोल्ट पर मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं. तो यहां से क्या आएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, या हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड. इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलाम, तो ये हो जाएगा मीटर कूलाम पर न्यूटन सेकंड. तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकती है, ये क्या है, इसकी यूनिट है. तो मोबिलिटी आगे ही यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है मोबिलिटी कहलाती है, या रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी. इट्स यूनिट दिस. अब इसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ पढ़ा था हमने, उसकी लिमिटेशन क्या होती है, देखिए लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ. देखो क्या, कहां पर लिमिटेशन, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी ओम्स रूल को वेरीफाई नहीं करता है, उसे हम क्या करते हैं, ओम्स रूल का पालन नहीं करता है, ओबे ऑफ ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस. यानी जो नॉन ओमिक डिवाइसेस किसे कहते हैं, जो ओम्स रूल का फॉलो नहीं करता है. तो नॉन ओमिक डिवाइसेस, नॉन ओमिक डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस जो ओम्स लॉ का पालन नहीं करते हैं, उसे हम नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं. Devices. अब होती क्या है, देखो एक तो ओमिक डिवाइसेस है, ओमिक डिवाइसेस है. ओमिक डिवाइसेस क्या करती होंगी, V is equal to I is equal to R क्या आता होगा, एक कांस्टेंट आता होगा, तो इसे हम कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस, सॉरी ओमिक डिवाइसेस. ऐसे नॉन ओमिक डिवाइसेस में भी सेम होता है, लेकिन ये R कांस्टेंट नहीं आता, V plus I is equal to does not equal to R, जो ये कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा.
जिसे हम कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। अब होती क्या है नॉन ओमिक डिवाइसेस, इसके एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे डायोड हो गए आपके, डायोड हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, डायोड हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, ये हमारे लास्ट एक्सरसाइज, ट्रांजिस्टर हो गए और डायोड हो गए ईटीसी, ये क्या है आपके नॉन ओमिक डिवाइसेस, इसकी हम क्या करेंगे लास्ट एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे, एक्सरसाइज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। इसका क्या कर्व क्या होता है, इस टाइप के कर्व में क्या होता है, एक लीनियर ना होकर, आईवी कर्व खींचते हैं तो एक लीनियर ना होकर कुछ इस टाइप से जाता है, जबकि ऐसा होना चाहिए नॉन ओमिक आई और री में। ऐसी अगर हम फॉरवर्ड रिवर्स बायस बात करते हैं डायोड की बात, इसमें तो इसमें भी कुछ इस टाइप का क्या होता है, ये तो इस टाइप का कर्व आता है। तो ये क्या है आज की सारी नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम इसकी